ये ग्रेविमेट्री एनालिसिस का जो है, ग्रेविमेट्री का मॉड्यूल 3 का जो कुछ स्टेप्स बाकी रह गए थे, इसमें देखिए डाइजेशन और एजिंग। तो डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आर एलसी को बोलते हैं ओस्टवाल रिपेनिंग। डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और ओस्टवाल रिपेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच लार्जर क्रिस्टल्स ग्रो व्हेन प्रेसिपिटेट इज अलाउड टू स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ मदर लीकर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये आपके स्मॉलर क्रिस्टल्स हैं, प्रेसिपिटेट विद मदर लीकर हैं, सुपरनेटेंट लिक्विड है, प्रेसिपिटेट स्मॉलर क्रिस्टल्स हैं, केप्ट फॉर सम टाइम, इसको डाइजेशन और ओस्टवाल रिपेनिंग बोलते हैं। तो देखें लार्जर क्रिस्टल्स हमको मिल रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो पहला तो देखिए लिखा है कि टेम्परेचर इज इंक्रीज टू इंक्रीज द रेट ऑफ डाइजेशन। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डाइजेशन बढ़ जाएगा। फिर आपका फिल्टरेबिलिटी एंड प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट इज इंक्रीज बाई डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस से जो फिल्टरेबिलिटी और प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट बढ़ जाता है। फिर है डाइजेशन ऑकर्स व्हेन प्रेसिपिटेट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर 12 to 24 आवर्स ऑफ रूम टेम्परेचर। यानी अगर हम प्रेसिपिटेट को 12 से 24 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो डाइजेशन जो है जो होता है। और आफ्टर डाइजेशन द प्रेसिपिटेट सीम्स मोर रेगुलर डेंस एंड क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स, द सर्फेस एरिया रिड्यूसेस। फिर एडजॉर्प्शन इज डिक्रीज ड्यू टू डाइजेशन। को प्रेसिपिटेशन इज डिक्रीज ड्यू टू डाइजेशन। साइज ऑफ प्रेसिपिटेट क्रिस्टल इंक्रीजेज विच हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। ड्यू टू डाइजेशन और एजिंग इम्प्योरिटीज फॉर्म प्रेसिपिटेट रिटर्न्स टू सॉल्यूशन। ड्यू डाइजेशन एंड एजिंग के कारण जो इम्प्योरिटीज प्रेसिपिटेट से स्टिक रहते हैं वो फिर सॉल्यूशन में चले जाते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का हमने एक डायग्राम भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट फ्रॉम ए लिक्विड सॉलिड मिक्सचर यूजिंग फिल्टर पेपर, यानी पोरस मटेरियल होना चाहिए, इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। द सॉलिड रिटेन्ड ऑन फिल्टर पेपर इज कॉल्ड एज रेजिड्यू। द लिक्विड विच पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लिक्विड सॉलिड मिक्सचर है, यहाँ पे फनेल है, यहाँ फिल्टर पेपर लगाया गया है, ये आपका दूसरा बीकर लगाया गया है। तो यहाँ पे जब हम एसलेस फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं फनेल में, तो ये आपका जो यहाँ पे रेजिड्यू आ जाता है और जो लिक्विड यहाँ कलेक्ट होता है वो फिल्ट्रेट होता है। नहीं स्टैंड लगा कर इसको होल्ड रखते हैं। तो आफ्टर फिल्ट्रेशन द सोल्यूशन इज़ टेस्टेड टू इंश्योर कम्प्लीट प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे देखते हैं कम्प्लीट प्रेसिपिटेशन हो गया कि नहीं हो गया। फिर आपका वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, रेजिड्यू ऑब्टेंड इज वॉश्ड विथ वॉशिंग लिक्विड टू रिमूव इम्प्योरिटीज। जो रेजिड्यू यहाँ पे मिला है इसको हम वॉशिंग लिक्विड से वॉश करते हैं ताकि इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएं। यहाँ देखिए रेजिड्यू, प्योर रेजिड्यू, वॉशिंग लिक्विड एंड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। आइडियल वॉशिंग लिक्विड की क्वालिटीज़ क्या हैं, इट शुड रिएक्ट विथ फॉरन मटेरियल, इट शुड नॉट रिएक्ट विथ प्रेसिपिटेट, लिक्विड शुड बी वॉलेटाइल अपॉन ड्राइंग द प्रेसिपिटेट, वॉशिंग लिक्विड शुड बी यूज स्लोली। इसको हम धीरे धीरे यूज़ करते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग एंड इग्निशन ऑफ प्रेसिपिटेट, द प्रेसिपिटेट आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग इज ड्राइड और इग्नाइटेड। जब हम प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लेते हैं तो जो रेजिड्यू मिलेगा उसको हम वॉशिंग कर लिया, फिर उसको हमें ड्राई करना पड़ता है। और आफ्टर कूलिंग द रिजल्टेंट कंपाउंड इज वेट। यहाँ देखिए प्रेसिपिटेट आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग, तो यहाँ पर देखिए आपका ड्राइंग ऑफ प्रेसिपिटेट, ये हम ओवन में करते हैं, टेम्परेचर 373 से 423 केल्विन लेंगे। और एक इग्निशन करते हैं, इसमें एसलेस फिल्टर पेपर यूज़ होगा, क्रूसिबल यूज़ होगा और ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। ये देखिए क्रूसिबल का हमने लिया, इग्निशन पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, कूलिंग ऑफ इग्नाइटेड रेजिड्यू जो मिला, कूलिंग इज डन इन डेसिकेटर हैविंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब हम यहाँ पर ड्राइंग या फिर इग्निशन हमने कर लिया, फिर इसको कूलिंग करना होगा, कूलिंग के लिए डेसिकेटर का यूज़ करेंगे। और डेसिकेटर में डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, जो मॉइस्चर एड्जॉर्ब हो जाते हैं उसको रिमूव करता है। आफ्टर ड्राइंग एंड इग्निशन वी गेट न्यू कंपाउंड विथ नोन एंड डेफिनेट कंपोजिशन। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है वेटिंग एंड कैलकुलेशन, वेइंग एंड कैलकुलेशन। तो मॉडर्न बैलेंसेस बहुत आराम से इसको वे कर लेते हैं। हॉट सैंपल को हम नहीं रखते हैं बैलेंस पर, इसको हम कूल करने के बाद डेसिकेटर में कूल कर लिया, उसके बाद हम उसको रखते हैं। और ग्रेविमेट्री फैक्टर जो होता है, GF बोलते हैं, ग्रेविमेट्रिक फैक्टर, ये इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ग्रेविमेट्रिक फैक्टर बराबर वेट ऑफ एनालाइट अपन वेट ऑफ प्रेसिपिटेट। ये यहाँ से पूरे स्टेप्स आपके ये ग्रेविमेट्री के हो गए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन इसके क्या हैं, तो देखिए एप्लीकेशन ग्रेविमेट्री का, ग्रेविमेट्रिक मेथड्स आर अप्लाइड इन द फॉलोइंग एरिया, एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स, एनालिसिस रिक्वायरिंग एक्यूरेसी और फार्माकोपियल एनालिसिस। फार्माकोपियल एनालिसिस में देखिए कहाँ पे, तो एनालिसिस जैसे क्लोराइड एज सिल्वर क्लोराइड, लेड एज क्रोमेट, निकिल एज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट DMG। तो क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड के लिए हमने एक्वस क्लोराइड सोल्यूशन लिया, प्लस डाइल्यूट NO3 लिया, AgNO3 सोल्यूशन लिया और प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिल गया।
ये जो प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड है इसको क्रूसिबल में लिया, वॉश किया डाइल्यूटेशन O3 से, फिर ड्राई किया और आपका रेजिड्यू जो मिला वो HCl का मिला। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस्टीमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सल्फेट इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली एज BSO4, BA प्लस SO4 रिएक्शन का BSO4 बन रहा है। प्रोसीजर में देखिए, आपने पोर्सिलिन क्रूसिबल लिया, उसको रेडनेस तक हीट किया, उसको डेसिकेटर में रखे ठंडा किया, फिर 0.2 ग्राम BaCl2 लिया, 100 ml वाटर में डिजॉल्व किया, फिर जो सोल्यूशन बॉयल है उसमें H2SO4 ऐड किया और उसके सोल्यूशन को डाइजेस्ट किया, फिर हमने 0.5 ml H2SO4 फ्यू ड्रॉप्स ऐड किया सुपरनेटेंट में, इससे प्रेसिपिटेट कंप्लीट हो गया। फिर हमने फिल्ट्रेशन के लिए वाटमैन नंबर 40 फिल्टर पेपर यूज़ किया, उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद प्रेसिपिटेट जो हुआ उसको वॉश किया कई बार, फिर जो क्रूसिबल कूल्ड हुआ उसको वे किया और फिल्टर पेपर जो प्रेसिपिटेट रेजिड्यू के साथ है उसको क्रूसिबल में रखा, फिर इसको ड्राइंग किया। ड्राइंग करने के बाद जो है जो हमने इसको डेसिकेटर में रखा, कूल किया, कूल करने के बाद हमने प्रोसेस को रिपीट किया और परसेंटेज ऑफ बेरियम कैलकुलेट किया गया सैंपल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा टफ लगेगा बट यहाँ हमने प्रेजेंटेशन दिया है, आई थिंक आप बहुत इजीली यहाँ पे समझ पाएंगे। ये आप देखें, यहाँ पे बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप वन में आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए पोर्सिलिन क्रूसिबल लिया, इसको रेड हॉट तक हीट किया, इसके बाद आपने क्या किया इसको डेसिकेटर में रख दिया पोर्सिलिन क्रूसिबल को, बस इतना तक आपने, फिर इसको कूल कर लिया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्टेप। 0.2 ग्राम बेरियम क्लोराइड प्लस 100 ml वाटर सोल्यूशन आपका, इसको बॉयल किया, फिर 0.5 ml H2SO4 ड्रॉप बाई ड्रॉप मिलाया, सोल्यूशन को डाइजेस्टेड किया, फिर 0.5 ml H2SO4 मिलाया, जो प्रेसिपिटेट और सुपरनेटेंट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, फिर हमने फनल और यहाँ पे वाटमैन फिल्टर पेपर यूज़ किया, फिर आपका ये फिल्ट्रेट यहाँ इकट्ठा हो गया और आपने यहाँ पे रेजिड्यू जो फिल्टर पेपर पे था वो लिया और ये रेजिड्यू फिर फिल्टर पेपर के साथ हमने क्रूसिबल में डाल दिया, फिर इसको स्लो हीट किया, फिर जब तक पेपर चार ना हो जाए, फिर हमने फास्ट हीटिंग किया और ये पूरा जो है डल रेड कलर का हो गया। फास्ट हीट फिर किया, डल रेड कलर 10 मिनट तक रखा इसको, इसके बाद हमने फिर इसको डेसिकेटर में रखा, डेसिकेटर में बाहर निकाला, फिर इसकी वेइंग किया, तो वेट ऑफ रेजिड्यू हमारा वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस रेजिड्यू और माइनस वेट ऑफ क्रूसिबल, यानी पहले आपने वेट ऑफ क्रूसिबल किया था, अब वेट ऑफ क्रूसिबल और प्लस आपका रेजिड्यू है, तो दोनों के वेट में से क्रूसिबल का वेट माइनस कर देंगे तो आपका वेट ऑफ रेजिड्यू निकल जाएगा। ये आपका ग्रेविमेट्री का पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, और आपको हम यूनिट 3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी यूनिट 4 हम आपको फिर बताएंगे। बाकी आपके कमेंट्स जैसे मिलेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा।